नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह, हमेशा की तरह आपके साथ बिहारी न्यूज से। लालू प्रसाद यादव, बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिसके नाम के चर्चे हैं, जिनके किस्से पूरे भारत में सुनाए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से, ये खबर है कि लालू प्रसाद एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाल सकते हैं। जी हाँ, आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो रांची के होटवार जेल में बंद है और फिलहाल अपनी बीमारी की स्थिति में वो रिम्स अस्पताल रांची में अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में यह खबर कहाँ से आ गई कि अब लालू प्रसाद यादव बिहार चुनाव की कमान संभालेंगे। एक बात स्पष्ट तौर पर जान लिया जाए कि भले ही तेजस्वी यादव के हाथों इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल की कमान है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, जो जमीनी हकीकत को पहचानते हैं, जो लोगों की नब्ज पकड़ने में माहिर है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का इकबाल थोड़ा कम हुआ है। इसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग को भी वजह कह सकते हैं, या भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के बाद जिस प्रकार का वोट इंटैक्ट होता है, हम उसको भी कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का वो नाम है कि जो 15 सालों से सत्ता से बाहर है, बावजूद उसके बिहार में आज भी राजनीति और हर चुनाव लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही घूमता है। देश के प्रधानमंत्री आ जाए, देश के गृह मंत्री आ जाए, चाहे सरकार किसी की हो जाए, जब भी बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, सबके भाषणों में लालू प्रसाद यादव ही छाए रहते हैं। पिछले दिनों बिहार में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से भाजपा और जदयू एक हुए और जदयू और राजद का गठबंधन टूटा, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को भी उस दौर में जेल जाना पड़ा। लेकिन झारखंड की जब हम बात करें, तो झारखंड में भी उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जानबूझकर, ऐसा राजद के लोग कहते हैं, कि लालू प्रसाद यादव को परेशान करने के लिए तरह तरह के जेल मैनुअल बनाए जाते रहे। लालू प्रसाद से मिलने के लिए सिर्फ एक ही दिन निर्धारित हुआ, वो था शनिवार का दिन। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, तो वक्त झारखंड का भी बदला, वहां सरकार बदली, आज वहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, और ये गठबंधन फिलहाल सरकार चला रही है। अब इस सरकार ने लालू प्रसाद से मिलने आने वाले मुलाकातियों के लिए नियम कायदों में बहुत सारी रियायतें दी हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए लोगों का आना जाना अब रांची लगा हुआ है। अब लालू प्रसाद यादव से लोग कभी भी मिल सकते हैं, और उन पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी दबाव या बंदिश नहीं है। झारखंड में जब भाजपा की सरकार थी, तो इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी गई थी कि एक बार स्वयं तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वो अपने पिता से नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब निजाम बदला तो व्यवस्था बदली, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार लालू प्रसाद यादव से लोग मिलने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, हालांकि कोरोना को देखते हुए अभी भी थोड़ी बहुत सावधानी बरती जा रही है, लेकिन लालू प्रसाद की अनुमति के बाद कोई उनसे मिलता है तो लालू प्रसाद यादव उनसे बिहार की नब्ज के बारे में पूछते हैं, लोगों के मूड के बारे में पूछते हैं, लोगों से ये जानकारी चाहते हैं कि आखिर बिहार के लोगों के मन में क्या चल रहा है, शहरी इलाके के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ग्रामीण इलाके के लोगों के मन में क्या चल रहा है। यानी कि लालू प्रसाद यादव पूरा फीडबैक ले रहे हैं और अपने विश्वसनीय लोगों को वहीं से संदेश भी जारी कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार को हटाने के लिए अब लालू प्रसाद यादव रांची से ही किलेबंदी और मोर्चेबंदी में जुट चुके हैं।